गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का व्याकरण सत्र में स्वागत है। आप श्याम पट पर लिखा हुआ देख ही रहे हैं। जो आपका आज का जो पठन पाठन है वह है समास। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप पाठ्य प्रारूप के लिए जो मैंने वीडियो बनाया वो देखे होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपके जो इस बार के व्याकरण के प्रश्न होंगे वे सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, अर्थात MCQ प्रश्न होंगे। और एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था शब्द और पद में अंतर, वह पाठ अब आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए उस वीडियो को अब आप पाठ के अंतर्गत नहीं पढ़िएगा। इसे आप अपने ज्ञान के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उससे अब आपको प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि वे आपके पाठ योजना का भाग नहीं है। तो अगर इस तरह हम कहें तो यह आपका व्याकरण का पहला ही पाठ होगा समास, और इससे कुल 4 अंकों के प्रश्न आएंगे। कितने अंकों के? 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकृति के, बहुविकल्पीय प्रवृत्ति के प्रश्न। पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से किसी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है और हर प्रश्न के लिए आपको जो अंक भार होगा वह 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार 4 प्रश्नों के लिए आपको 4 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो ये तो समझ में आ गई, अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो पाठ के अंतर्गत जैसा कि जानते ही हैं, समास शब्द जो बना है सम उपसर्ग में अस धातु मिलने से समास शब्द में बना है। सम का यहां पर अर्थ है समा, सम का अर्थ है यहां पर समान, और अस का अर्थ होता है नजदीक लाना, अर्थात समान अर्थ वाले शब्दों को जो नजदीक लाए, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, सम यहां पर उपसर्ग है और अस यहां पर मूल धातु रूप है। सम का अर्थ क्या होता है? समान, एक समान। और अस का अर्थ क्या होता है? नजदीक लाना, अर्थात एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को नजदीक लाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। नीचे देखिए, इसी प्रकार की परिभाषा भी मैं यहां पर लिखा हूं, जो परस्पर संबंध रखने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी 2 शब्द को नजदीक ले आइएगा, क्या उससे सामासिक शब्द बन जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सामासिक शब्द होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों शब्द एक दूसरे के अर्थ की दृष्टि से पूरक हों, वे एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हों और जुड़कर एक नया अर्थ देने वाले। क्योंकि ये समास किसका भाग है? यह शब्द निर्माण का भाग है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे जो आप पाठ पढ़ते हैं ये किसका भाग होता है? शब्द निर्माण का भाग होता है, अर्थात इससे नए शब्द का निर्माण होता है। तो नए शब्द के निर्माण में क्या जरूरी है? कि 2 शब्द जो हो वह आपस में, वे आपस में संबंध रखने वाले हों, तभी उनका आपस में मेल होगा। और इन दोनों शब्दों के मेल से क्या होता है? एक नए शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को या इस नए शब्द को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण मैं दिया हूं, जो यहां पर पीत शब्द है, एक शब्द है, पूर्ण शब्द है, पीत मीन्स पीला होता है, और अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है? वस्त्र होता है। तो दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, यहां प्लस का चिन्ह लगाया, यानी दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों के जुड़ने से एक नया शब्द हमें प्राप्त हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पीतांबर। तो इसमें पीत जो है यह पहला भाग है, आगे आया है, और अंबर जो है यह क्या आया है? बाद में आया है। तो पहले वाले भाग को हम पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले भाग को हम क्या कहते हैं?
उत्तर पद कहते हैं। और दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त, समस्त मीन्स क्या होता है? दोनों का मेल, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद के मेल को हम समस्त पद कहते हैं। कुछ और उदाहरण मैं दिया हूं, चरण जोड़ कमल, चरण पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है, दोनों के मिलने से बना चरण कमल जो कि क्या है? समस्त पद है। देह जोड़ लता, देह पूर्व पद है, लता उत्तर पद है, दोनों के मिलने से जो समस्त पद बना हुआ है देह लता। राष्ट्र पूर्व पद है और पति उत्तर पद है, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाए तो दोनों के मेल से बना राष्ट्रपति, जिसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप पूर्व पद और उत्तर पद और समस्त पद तीन चीज तो समझ ही गए होंगे। जिन दोनों शब्दों के मेल से हम समस्त पद बनाएंगे उसके पहले वाले भाग को हम पूर्व पद कहेंगे और बाद वाले भाग को उत्तर पद कहेंगे। और पूर्व वाले भाग और उत्तर वाले भाग जब दोनों एक साथ जुड़ जाएगा और दोनों के जुड़ने से जो एक नया शब्द बनेगा उसे हम समस्त पद कहेंगे। तो इन तीनों चीजों का आपका ज्ञान हो गया, क्योंकि बिना बेसिक ज्ञान के, बिना आधारभूत ज्ञान के आपको समास समझने में कठिनाई होगी। और जब आपको आधारभूत ज्ञान हो जाएगा, जब आपको बेसिक ज्ञान हो जाएगा तो समास बिल्कुल आपको आसान लगेगा समझने में, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इन दोनों चीज़ों को जानने के साथ एक चीज़ और इसमें जानना जरूरी है जो कि समास के बेसिक के अंतर्गत आता है, इसकी आधारभूत बातों के अंतर्गत आता है, और वह है समास विग्रह। समास विग्रह, समास तो आप समझ ही चुके हैं, विग्रह का अर्थ समझ लिए। विग्रह में से होता है अलग अलग करना, तोड़ना, पृथक पृथक करना, भिन्न भिन्न करना। तो समास को अलग अलग करना, तो यह क्या होता है? यह होता है समस्त पद को, समस्त पद को विभक्ति चिन्ह व गौण पदों के साथ, पदों के साथ अलग अलग करने, अलग अलग यानी बांटने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब गौर कीजिए, इसमें दो चीज आपको दिखाई पड़ रही है। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? आप लोग कारक पढ़े होंगे, कारक के आठ भेदों को पढ़े होंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। तो उसका आपने चिन्ह देखा होगा, कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का चिन्ह को, करण का चिन्ह से, इसी प्रकार। तो ये जो ने को से है इसे हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के नाम से जानते हैं। तो आपको अब विभक्ति चिन्ह तो समझ में आ गए। अब दूसरा है गौण पद। गौण पद किसे कहते हैं? गौण पद मीन्स होता है छुपा हुआ पद, छुपा हुआ पद। अब छुपा हुआ का क्या मतलब है? कहां छुपा हुआ? तो शब्द के अंदर ही छुपा हुआ, समस्त पद के अंदर ही छुपा हुआ। वह समस्त पद के अंदर तो छुपा हुआ होता है, लेकिन वह बाहर कब आता है? तो जब हम उसका समास विग्रह करने लगते हैं। समास विग्रह करते समय वह उन गौण पदों को, जो छुपे हुए गौण पद होते हैं, उन्हें बाहर निकालना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनके बिना हमें समस्त पद का जब विग्रह करेंगे तो कोई अर्थ नहीं मिलेगा।
तो ऐसे ही पद को हम छुपा हुआ पद या गौण पद कहते हैं। जैसे कुछ पहले जो उदाहरण दिया हूं उन उदाहरणों में से ही मैं आपको समझा देता हूं। चरण कमल मैंने लिखा था, चरण और कमल मिला करके चरण कमल शब्द मिला था, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कमल के समान चरण, ठीक है। तो यहां तो दो ही पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। चरण है आपका पूर्व पद और कमल है आपका उत्तर पद, दो ही पद है और दोनों मिलकर के बना था चरण कमल। लेकिन यहां कमल और चरण के अलावा आपको क्या देखने की मिलता है? के और सम। तो ये के क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह। और समान क्या हो गया? इसी को कहते हैं छुपा हुआ पद या गौण पद। क्योंकि समान तो चरण कमल में कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है? कहीं पर चरण कमल में आपको यह समान शब्द दिखाई पड़ रहा है? नहीं है। तो आ कहां से गया? तो इसका मतलब है जो यह इस चरण कमल के अंदर ही छुपा था, लेकिन यह बाहर कब आएगा? जब इसका विग्रह करेंगे। तो इसी शब्द को हम गौण पद कहते हैं। कोई भी शब्द ले लेते हैं, राष्ट्रपति ले लेते हैं जो मैंने लिखा था, तो क्या हो गया? राष्ट्र का पति। तो यहां तो दो ही शब्द है, राष्ट्र और पति। यहां पर इन दोनों को अलग कर देते हैं, बीच में का तो हमें रह गया, तो ये का क्या है? यही विभक्ति चिन्ह है। तो सारे जितने भी समस्त पद होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनमें गौण पद हो ही। जैसे तत्पुरुष समास होते हैं तो उसमें सिर्फ विभक्ति चिन्ह होता है, और बाकी जो समास, बाकी जो पांच भेद होते हैं, उन पांचों भेद में आपको गौण पद भी मिलेंगे, लेकिन तत्पुरुष समास में कोई गौण पद मौजूद नहीं। इतना जान लेने के बाद हम सीधा अब समास के भेद की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने समास की जो मूलभूत बातें हैं उसे जान लिया है। तो अब हम देखते हैं कि समास के छह, जानते ही हैं जो समास के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका भेद होता है वह होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है कर्मधारय समास, और छठा होता है बहुव्रीही समास। देखा, जैसे मैंने कहा था कि समास के छह भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीही समास। हो सकता है क्या आपकी किताब में इसके क्रम कुछ और ही हो, तो क्रम से समास के भेदों का कोई लेना देना नहीं होता है। और ये क्रम भी जो मैं लिखा हूँ या विशेष कारण से लिखा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैंने परिभाषा को समझकर इस प्रकार के जो सीक्वेंस बनाया हूँ, इस प्रकार का जो क्रम बनाया हूँ, आप देखेंगे जब परिभाषा मैं देना शुरू करूँगा और उसको समझाना शुरू करूँगा तो यह क्रम आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो पहला जो भेद है अव्ययी भाव समास, वह क्या होता है? तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करें, अव्यय के तरह कार्य करें,
उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमने देखा कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद इसका क्या होगा? अव्यय होगा। और पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से जो समस्त पद बनेगा वह भी किस तरह कार्य करेगा? वह भी अव्यय की तरह ही कार्य करेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये अव्यय क्या होता है? तो अव्यय जो होता है वह अविकारी पद होता है। ऐसे पद जिस पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय शब्द या अव्यय पद कहते हैं। उसको स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कीजिएगा तब भी वैसा ही रूप चलेगा जैसा कि पुल्लिंग के साथ करने पर। एकवचन के साथ में भी हुआ वैसा ही रूप में रहेगा जैसा कि बहुवचन के साथ प्रयोग करने पर। तो ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय शब्द और वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अव्यय पद कहते हैं। तो कुछ नोट देख लेते हैं। नोट क्या होता है इसके साथ? नोट मीन्स जिसको जानना जरूरी हो। नोट क्या होता है? तो अव्यय समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। इसका क्या मतलब है पूर्व पद प्रधान होने का? यानी जोर किस पर है? पूर्व पद पर। अर्थ जो स्पष्ट होगा वह किसके अनुसार? पूर्व पद के अनुसार ही। उत्तर पद सिर्फ आश्रित होने का काम करेगा, पूर्व पद के अनुसार ही अर्थ की स्पष्टता आएगी, इसीलिए इसे हम पूर्व पद के प्रधान वाले शब्द कहते हैं। अब जब भी आप समास बनाइएगा तो यह जरूरी है कि सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेगा? समस्त पद। ऐसा फॉर्मेट बना लीजिएगा, हिंदी में इसे प्रारूप कहते हैं। फिर समास विग्रह आप सीख ही चुके हैं जो समास विग्रह किसे कहते हैं, और फिर समास के भेद। ये तीन चीज जानना जरूरी है। क्या सब? समस्त पद, समास विग्रह, समास के। समस्त पद आप जान ही चुके हैं किसे कहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद मिलाकर जो नया पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास को, समस्त पद को जब हम विभक्ति चिन्ह और गौण पद के साथ जोड़ते हैं तो उसे समास विग्रह करते हैं। और समास के भेद क्या? तो समास के जो छह भेद है उसमें से वह समस्त पद किसके अंतर्गत आएगा उसे समास के भेद कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पहला शब्द ले लेते हैं, चूंकि हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं तो उसी का उदाहरण लेंगे। आजन्म, विग्रह क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत या जीवन भर कहते हैं ना। वह आजन्म अपना कार्य करता रहा, वह आजन्म देश के लिए लड़ता रहा, तो जीवन पर्यंत। और भेद क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अब देख लीजिए, आजन्म मैंने कहा था जिसका पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। तो आजन्म में पूर्व पद क्या है? आ। आ क्या है? एक उपसर्ग है। और उपसर्ग हमेशा किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पहले का आपको उत्तर मिल गया जो पूर्व पद अव्यय होगा, और समस्त पद भी अव्यय का की तरह काम करेगा। आजन्म को आप प्रयोग करके वाक्य में देख लीजिए क्या इस पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव पड़ता है। जब भी आप प्रयोग कीजिएगा देखिएगा इस पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं प्रयोग करके दिखाता हूं, मैं आजन्म लड़ता रहा, वे लोग आजन्म लड़ते रहे, वह आजन्म लड़ती रही। क्या इस आजन्म में कोई परिवर्तन आया? आजन्मे या आजन्मी हुई? नहीं, इस शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। तो जब ही शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब क्या है? वह शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो वह एक
अविकारी शब्द है, अर्थात वह क्या है, एक अव्यय है। इसके अलावा इसके कुछ और उदाहरण मैं दे देता हूं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। बेखटके, बिना खटके के। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। ये दोनों शब्द जो मैंने लिखा है आपको, रातों रात, हाथों हाथ, ये भी एक अव्यय पद है। जब भी इसको कहते हैं पुनरावृत्ति या आवृत्ति, जब भी किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसके बीच में ओकार लगा हुआ हो, तो उसका जब भी हम विग्रह करेंगे सिर्फ ही और अंत में मे जोड़ देंगे। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, वर्षों वर्ष, जितने सारे शब्द हैं उसमें बीच में, दोनों पदों के बीच में, पहला पद और दूसरे पद के बीच में हम ही जोड़ेंगे और अंत में जोड़ेंगे, बस हमारा समास विग्रह पूरा हो जाएगा। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखाया है, आजन्म, यथाशक्ति, यथाविधि, बीत खटके, प्रतिदिन, रातों रात, हाथों हाथ, इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं आपके व्याकरण की किताब में, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सीखना है जो अव्ययी भाव किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव का उदाहरण आप लोगों को मिल गया। तो अब हम लोग दूसरे भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होगा? तत् जोड़ पुरुष मिलके बना है तत्पुरुष। तत् मीन्स होता है बाद, और पुरुष मीन्स क्या होता है? प्रधानता, जिसमें बाद वाले पद की प्रधानता हो। अर्थात बाद वाला पद कौन सा पद, उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास। नाम से बिल्कुल याद रखना है, अव्ययी भाव, अव्यय का भाव। फिर से मैं कह रहा हूं, समास को बिल्कुल नाम से याद रखिए। नाम से अगर याद रखिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं, अगर रट लीजिएगा कुछ समय बाद भूल जाइएगा आप लोग। इसलिए बिल्कुल नाम से याद रखना है, अव्ययी भाव मीन्स जिसमें अव्यय का भाव उत्पन्न हो, तत्पुरुष मीन्स बाद पुरुष, बाद पुरुष मीन्स बाद वाले पद की प्रधानता। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो,
तथा समस्त पद मनाते समय विभक्ति चिन्ह का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ नोट में हमें लिखना पड़ेगा। तत्पुरुष समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच दोनों पदों के बीच सिर्फ विभक्ति चिन्ह जुड़ता है। ऊपर से ही यह मालूम पड़ गया जो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है समस्त पद का, तो उसके रिवर्स में चले जाएंगे, उसका उल्टा में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया जो तत्पुरुष समास का अगर हम समास विग्रह करने लगेंगे तो बीच में सिर्फ और सिर्फ विभक्ति चिन्ह को जोड़ेंगे, यहां पर गौण पद नहीं जुड़ता है, गौण पद नहीं जुड़ता है। इसको ध्यान रखेंगे जो हम कभी भी किसी गौण पद को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तत्पुरुष समास में गौण पद के लिए कोई जगह नहीं होता। ये तो स्पष्ट हो गया। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रारूप बनाना है। प्रारूप क्या होगा, समस्त पद, फिर समास विग्रह और फिर समास के भेद। सबसे पहला जो समस्त पद मैं लेता हूं वह लेता हूं ग्रामगत। समास विग्रह क्या हो जाएगा, ग्राम को गत, और समास के भेद क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तो यहां आप देख रहे हैं ग्रामगत समस्त पद है और जैसा कि मैं नोट में लिखा हूं इसके बीच में सिर्फ क्या जुड़ा है, को क्या है, विभक्ति चिन्ह है, हम जानते ही हैं जो कौन सा विभक्ति चिन्ह है, तो कर्मकारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसके बीच एक पूर्व पद है ग्राम और उत्तर पद है गत, तो पूर्व पद यहां ग्राम लिखा, उत्तर पद गत लिखा और उसके बीच में सिर्फ किसको जोड़ा, विभक्ति चिन्ह। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, हवन सामग्री। क्या हो गया, हवन के लिए सामग्री। तो यहां दो पद है, हवन और सामग्री, समस्त पद में ही निहित है। और यहां के लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए, भेद क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया। इसके अलावा कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ऋण मुक्त, ऋण से
मुक्त। क्या हो गया? तत्पुरुष। बैलगाड़ी क्या हो जाएगा? बैल या बैलों की गाड़ी। तत्पुरुष। रसोई घर क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। तो इसी प्रकार अन्य उदाहरण, कार्य, कुशल, कार्य में कुशल। तो ये सारे आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण। अगर हम विस्तृत, वैसे आपको एग्जाम में शायद पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष। अब ये तो हमने जान लिया जो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन आपको कुछ किसी पाठ की याद आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये सारे नाम तो मैंने कहीं पढ़ा है। तो आपने पढ़ा होगा कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। उसमें पहला और अंतिम 8वां भेद छोड़कर, अर्थात संज्ञा कारक छोड़कर और संबोधन कारक छोड़कर, बाकी जो 6 भेद होते हैं वे आपके समास के भेद बन जाते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है को, ये होता है से के द्वारा, संप्रदान के को के लिए, आपादान के से कैसा भाव, अलगाव का भाव, संबंध के का के की, और अधिकरण के में पर। तो ये विभक्ति चिन्ह होता है। अभी मैंने कुछ उदाहरण लिखा है आपको, जैसे लिखा है ग्राम गत, तो आपने देखा ग्राम को गत, तो बीच में क्या आया था को। तो अगर आपको तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत पूछ दे
परीक्षा में आपको तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत पूछ दे तो यह क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राम और गत के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा विभक्ति चिन्ह? को का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपने देखा था जो हवन सामग्री, क्या था? हवन के लिए सामग्री। तो बीच में आपको क्या दिखाई पड़ा था? के लिए। तो जब भी दोनों पदों के बीच में के लिए तत्पुरुष समास में मिल जाए तो वह क्या हो जाएगा? संप्रदान का भेद हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से क्या हो गया? मुक्त हो गया, अलग हो गया। तो से यहां अलगाव के भाव के लिए आया तो क्या हो जाएगा? आपादान हो जाता। और इसी प्रकार साधन के रूप में अगर से होता, जो उस साधन से वह कार्य हुआ है, तब वह क्या हो जाता? करण तत्पुरुष हो जाता। लेकिन यहां ऋण से मुक्त, ऋण से वह अलग हो गया, अलगाव का भाव है, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी या बैल की गाड़ी, तो वह किसका उदाहरण था? सम्मन तत्पुरुष का था। और जैसे मैं दिया कार्य कुशल, कार्य में कुशल, में चिन्ह बीच में आया था, तो यह किसका उदाहरण था? तो यह जो था आपका अधिकरण का उदाहरण। तो इस प्रकार हमने देखा जो तत्पुरुष के भी सारे भेद देख लिए, क्योंकि इस बार आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न में हो सकता है आपको तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत भी लेके चले जाए और प्रश्न पूछ दे जो तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आपको मैंने तत्पुरुष समास के 6 भेदों के बारे में भी बता दिया। आप जानते ही हैं जो समास पाठ जो है वह एक विस्तृत पाठ है, और उसका अगर मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाऊं तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए सोचता हूं कि छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को मैं समास समझाऊं, क्योंकि यह एक ऐसा पाठ है जो आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए तो ज़रूरी है ही, परीक्षा में अंक लाने के लिए तो ज़रूरी ही है। साथ साथ कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी, प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी, जिसमें आपको समास पाठ से प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। चाहे आप बी ग्रेड की एग्ज़ाम देंगे, कोई भी क्लर्कियल एग्ज़ाम देंगे, उस सारे एग्ज़ाम्स में संधि से, समास से, मुहावरे से, इस सब संबंधित पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस पाठ को और ज़्यादा गौर से ध्यान देना है, और इसलिए मैंने 2 भेद लेकर ही इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, जिससे छोटे छोटे वीडियो में आपको समझने में आसानी हो। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।